बहुत सारी सीढ़ियां हैं। रुको रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। क्या कर रहे हो? उतार दो मुझे नीचे। क्या कर रहे हो? यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। हनीमून पर तो तुम लोग जा नहीं सके, यही मजा कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। चलो, तुम्हें नींद आ रही है। गुड नाइट। अब बस भी करो। जवाब मैं कुछ देर ताजा हवा लेना चाहती हूँ। चलो। अच्छा चलो। क्यों किया तुमने? गुलशन, अम्मी, आराम से, आराम से, आराम से गुलशन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हौसला रखो गुलशन, मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। तुम्हें हौसला रखना होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम अगर इस तरह शोर करोगी तो सब घर वालों को पता चल जाएगा। अम्मी मुझे बचाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, चीखो मत गुलशन। ऐसा क्यों किया तुमने फरहत? क्यों? जवाब दो मुझे फरहत। तुमने तो कहा था कि हमारी ये शादी सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहेगी, हमारे सिर्फ नाम ही एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। फिर तुमने आखिर ऐसा क्यों किया फरहत? जवाब दो फरहत।
क्यों किया ऐसा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझती कि तुम किसी मकसद के तहत मुझे अस्पताल लेकर गए थे? यसरा का कहकर ले गए थे ना? अब मैं समझी ये महज तुम्हारा मंसूबा था। झूठ बोला तुमने मुझसे, सब कुछ अपने मफाद के लिए किया। झूठे हो तुम, तुम सब कुछ अपने मफाद के लिए करते हो। जैसे मेरे भाई की असलियत जान जाने के बाद तुमने जोर जबरदस्ती मुझसे शादी की और फिर झूठ बोलकर मुझे अस्पताल लेकर गए ताकि मैं तुम्हें अच्छा समझूं और अपनी आंखों से देख सकूं कि हसन पहले से ही शादीशुदा है। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए? मुझसे जबरदस्ती शादी करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? बोलो, ये सब करके भी तुम मुझ पे अपना हक नहीं जता सकते? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ और मुझ पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। मैंने ये इख्तियार अपनी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को दिया जिससे मैं प्यार करती थी। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और यह शादी सिर्फ नाम की है। मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हो सकता। बेहतर होगा दोबारा ऐसा ना करना। तुम सख्तिल हो और बहुत जालिम भी हो, मगर हैवान की तरह पेश मत आओ। समझ गए? कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, बस हौसला रखो। हाँ, इस तरह की हालत में ऐसा होता है, तुम घबराओ मत। क्या हो, दर्द ज्यादा है? इसमें तो अभी वक्त पड़ा था ना गुलशन, तुम्हें बहुत हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची। अम्मी, खामोश हो जाओ, चीखो मत गुलशन। सब लोग इस वक्त घर पर ही हैं, वो इस बारे में जान जाएंगे। अम्मी मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। थोड़ी हिम्मत करो और उठने की कोशिश करो। चलो आ जाओ, हिम्मत करो गुलशन, आओ मेरे साथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझसे गलती हुई, मुझ पर रहम कर।
तुमने गाड़ी तैयार करवाई थी, क्या तुम भेज रहे हो उन्हें यशफार गुलशन को? मुझे भी बहुत गुस्सा आया था तब, बिल्कुल पागल हो गई थी मैं, लेकिन अंदर से मुझे उन पे रहम ही आता है हमेशा। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं आप, कोई नई बात नहीं है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी। मैं जाहरी तौर पे तो बहुत सालिम लगती हूं, लेकिन किसी को क्या पता कि हम कितने नर्म दिल हैं नेमत। हमने अपनी सौतेली माँ से कितनी मोहब्बत की थी, हालांकि उन्होंने हमेशा हम पर जुल्म किया और हमें मारा पीटा। मैं भूली नहीं अब तक। जो हमारे पुराने जानने वाले हैं उन्हें अंदाजा है कि हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मुख्तसरन, मैं चाहती हूँ यशफा यहीं रहे, इस बार उसे माफ कर दो हैं? उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। आपको क्या हो गया है आपा, यशफा की हिमायत कर रही हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसमें ऐसी भी क्या बात है नेमत, आखिर हमारी बहन जैसी है वो, अब ऐसी भी क्या बेरुखी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, उसे रहने देते हैं फिर यही सही है। नेमत साहब, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूं? फरहत, नीचे आओ। लड़कों ने काम कर दिया और दफना भी दिया। और अगर कोई तुम्हें रास्ते में देख लेता तो? मैं हर चीज की इतनी फिक्र नहीं करता अंकल, जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूं। मैं कोई जीनियस नहीं, जानते हैं आप ये। सब यासिर की वजह से हो रहा है। यासिर की जगह कोई और प्रोसिक्यूटर होता तो कभी सिक्योरिटी मैनेजर को ना ढूंढता। क्या आप वाकई उस बच्चे की इतनी फिक्र कर रहे हैं? उसे उसका काम करने दीजिए, और हम अपना काम खूब जानते हैं। कैसी हो आसिम, सब ठीक है ना? मैं ठीक नहीं हूँ आबरू। आसिम तुम्हें क्या हुआ, मुझे जल्दी बताओ, तुम रो क्यों रही हो? आबरू मैं ठीक नहीं हूँ, मैं जरा भी ठीक नहीं हूँ। तुम्हें लगता है वो कामयाब हो पाएगी? हाँ वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वो काफी समझदार है। हाँ वो समझदार तो है, क्योंकि वो एक काबिल सर्जन है। अगर वो अच्छी जासूसी करे तो ये बात यकीनी है कि नेमत इमरान इलेक्शन से पहले जेल में होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिल रो रही थी, आपका क्या हुआ आसिल को? आबरू मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ आसिल को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, मैं सोच रही हूँ वहाँ चले जाऊँ। चलो मेरे साथ। रुक जाओ, इस बार वो तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने देंगे। मैं नेमत साहब की फेवरेट हूँ, हाजरा मैडम ही जानती है मुझे, तो मुझे क्यों मना करेंगे वो? देखो आबरू सुनो, मैं जानता हूँ मामला पेचीदा है, नेमत इमरान का ऑफिस एंट्रेंस पे है, तुम वहाँ जाओ और देखो तुम्हें वहाँ क्या सबूत मिलता है। मगर आसिल को कानो कान खबर ना हो, उसे घर वालों के साथ अच्छी तरह रहने दो। अब हमारी हिदायत पर तुम्हारा उस घर में कई बार आना जाना होगा। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये सारी बातें मैं रास्ते में आबरू को समझा दूंगा, इस वक्त मुझे अपनी बहन की फिक्र है, मुझे मालूम करना है कि उसके साथ क्या हुआ है। ओके।
ये कमीना तुम्हें छोड़ने जाएगा। हम दोनों साथ जा रहे हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारी 10 साल की शादी खत्म हो चुकी है और तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आ जाओ। यशवा मैडम आपको बुला रही हैं। क्यों? मुझे नहीं मालूम। मैं भी बिजी हूँ, मेरी फ्रेंड आने वाली है। अपनी मैडम से बोलो जो भी बात है सुबह करें। बहुत जरूरी बात है, आप आ जाएं मैडम। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी दोस्त आने वाली है। अब तुम जाओ। आप समझने की कोशिश करें मैडम, बहुत जरूरी है ये, बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, हौसला रखो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी मेरी बच्ची। मुझे इसी दिन का डर था, अब देख लिया ना तुमने। गुलशन, ओह तुम आ गई, शुक्र है। मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसकी मदद करो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम डॉक्टर हो ना, तो इसकी मदद करो तुम। अम्मी मुझे दर्द हो रहा है। गुलशन चीखो मत, क्यों सब घर वालों को यहाँ पर इकट्ठा करना चाहती हो? हमें अस्पताल लेकर जाना होगा। मुंह खोलो, इसे दबा लो। क्या कर रही हैं? बच्ची को मारना चाहती हैं क्या? ऐसा करना बहुत जरूरी है, वरना इसकी चीखें सुनकर सारा घर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं इल्तिजा करती हूँ, इसकी मदद करो, वरना ये मर जाएगी। सिर्फ तुम ही इस घर में ऐसी हो जो इसकी मदद कर सकती हो, हमारी इज्जत को नीलाम होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, बस मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ कीजिए कि ये बच जाए। गुलशन तुम गहरी सांस लो और आराम से लेट जाओ प्लीज। ये बताओ दर्द कितनी देर बाद उठ रहा है? देख नहीं सकती, वो तकलीफ में है, कैसे जवाब देगी? अच्छा ठीक है गुलशन, तुम ऐसा करो गहरी सांस लेती रहो और अपने जिस्म को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। देखो तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम्हें जोर भी लगाना पड़ेगा। शाबाश तुम ये कर सकती हो, जोर लगाओ गुलशन। एक गहरी सांस लो, जोर लगाओ। होरिया जल्दी से शीट लेकर आओ। तुम शाबाश गुलशन, बिल्कुल इसी तरह। मेरे खुदाया हमारी मदद फरमा। गुलशन के बदले में मेरी जिंदगी ले ले है खुदा, रहम फरमा या अल्लाह। खैर कौन है वहां? अरे दामाद मिया। आंटी, तुमने कोई शोर सुना? कैसा शोर? मैंने अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो। नहीं नहीं सुनी मैंने तो कुछ नहीं सुना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबीयत थोड़ी खराब थी, सोचा ताजा हवा ले लूं। फिर से वही आवाज सुनो। आंटी यहाँ कोई आवाज नहीं है, अगर आपने कोई आवाज सुनी भी है तो सिक्योरिटी वालों से बात करें। रात के इस पहर में आप अकेली बाहर क्या कर रही हैं? कोई खतरा भी हो सकता है यहाँ। चले अंदर चले। कभी तुमसे प्यार नहीं हो सकता, बेहतर होगा
दोबारा ऐसा ना करना। तुम सत्दिल हो और बहुत जालिम भी हो, मगर हैवान की तरह पेश मत आओ। फरहत, तुम यहां बैठे हो बेटा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। बाबा, वो लड़की मुझसे बात नहीं करती। कौन सी लड़की? वो वाली, वो नफरत करती है मुझसे। हो सकता है ऐसा ना हो, वो पसंद करती हो तुम्हें लेकिन छुपा रही हो तुमसे। कभी भी जल्दबाजी में कोई राय कायम नहीं करते। चलो बाबा को मुस्कुरा के दिखाओ। चलो शाबाश। देखो फरहत बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। जरूरी नहीं कि जिसे आप पसंद करें वो भी आपको पसंद करता हो। प्यार हमेशा प्यार के बदले मिलता है। कभी भी किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। इंसान को चाहिए कि वो अपना किरदार ऐसा बना ले कि दुनिया खुद ब खुद उससे प्यार करने लग जाए। ये भी देखना जरूरी है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे प्यार के काबिल है भी या नहीं। और अगर जिंदगी में गलत इंसान आ जाए तो जिंदगी तबाह हो जाती है, समझ रहे हो ना? और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो। एक बात याद रखो मेरे बेटे, अगर तुम्हारी वजह से किसी को दुख पहुंचेगा तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कभी किसी को दुख मत देना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे हमेशा जिंदा दिली से जीना चाहिए। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं, आ जाओ मेरे साथ। इस फूल को देखो, देखने में ये कितना खूबसूरत लगता है लेकिन इसके साथ कांटे भी होते हैं। अगर फूल को जल्दबाजी में तोड़ने की कोशिश करोगे तो कांटे चुभ जाएंगे। ये चुप क्यों नहीं हो रहा? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई सुन ना ले इसकी आवाज। आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस घर में सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सबके सब बहरे हैं। अम्मी, मेरी बच्ची, खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती मेरी प्यारी बच्ची। मेरा बेटा देखा आपने, क्या वो ठीक है अम्मी? कैसा है वो? आसिल अभी, मेरा बेटा ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल सेहतमंद है। हालांकि ये वक्त से पहले पैदा हुआ लेकिन बिल्कुल ठीक है। ये तंदुरुस्त है, खूबसूरत है। चलो बेटा अब अपनी मामा के पास चलो। ये रही तुम्हारी मामा। आसिल, चलो इसे मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी इसे। क्या आपको यकीन है? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बेशक मैं इसे संभाल सकती हूँ। शायद तुम भूल रही हो कि मेरे अपने भी तीन बच्चे हैं। इसे मेरे पास लाए। ठीक है, आप लोग संभालिए, लो पकड़ो इसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे इस राज को राज ही रखो। यहाँ जो कुछ भी हुआ तुमने सब देखा। मैं जानती हूँ तुम फरहत को इस बारे में नहीं बताओगी, लेकिन कभी तुमने रात को नींद में बोल दिया? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मतलब? मैं समझ गई अब क्या करने वाली है।
आप दोनों माँ बेटे को मैं जान गई हूँ। माशाल्लाह वो भी आपकी तरह बहुत मक्कार है, मगर आप फिक्र मत करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इस मासूम बच्चे और इस लड़की की खातिर अपनी जबान बंद रखूंगी। ये मत समझिए कि मुझे आपका खौफ है, बल्कि इसलिए कि मुझ में इंसानियत है, इसलिए अब आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत घमंड है इसमें। देखें आबरू मैडम, मैं फरत भाई की इजाजत के बगैर आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। दुल्हन साहिबा आराम फरमा रही हैं, मेहमानों को मिलने की इजाजत नहीं उनसे। नहीं तो मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। आबरू को मैंने ही कॉल करके बुलाया था। नेमत साहब को बताएं या हाजरा मैडम को बोले? अरे रात के इस पहर क्या चल रहा है यहाँ? हाजरा मैडम शुक्र है आप आ गई, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया। मैं असल में आसिल से मिलने आई थी। आबरू जान देखो, अगर तुम मुझे मिलने आई होती तो कोई मसला ना होता, लेकिन हम इसके शौहर की कही हुई बात के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, उसने मना किया है। आप हर बात में मेरे शौहर को क्यों ले आती हैं? मैंने बुलाया था इसे, आखिरी दोस्त है मेरी। अभी तो तुम इस घर में आई हो आसिल, पहले तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा हासिल करना है, उसके बाद जिसे तुम्हारा दिल चाहे बुलवा लेना, फिलहाल नहीं। तुम्हारा शौहर जो कहता है वही होगा। मैं फिर जाऊं क्या? क्यों, तुम यहीं रुको, मैं कॉल करती हूं उसे। ठीक है। लड़की ने फंसा लिया तुम्हें, वो शैतान है, सुन लो। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दरोगा हूँ, मैं सबक सिखा दूंगा उसे। ये कॉल रिसीव करो। कौन कॉल कर रहा है? जी फरमाए। किससे बात हो रही है मेरी? यमुना। जी मिस यमुना, फरहत से बात करनी थी मुझे। वो है तो यहीं पर, फ्री नहीं है, आप मुझे बता दें। ठीक है, उससे कहो कि आबरू आई है। क्या मैं इसे मिलने के लिए घर के अंदर ले जा सकती हूँ? उसकी दोस्त आबरू आई है, वो पूछ रही है कि आबरू को अंदर आने दें या ना। कोई मसला नहीं, आने दो। फरहत कह रहा है आने दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनका। लो बात हो गई। ठीक है फिर, आप चलें अंदर आ जाएं। मिस ज़ैनब आपके लिए चाय कॉफी का बंदोबस्त कर देती हैं, क्या चाहिए आपको? मुझे सिर्फ यहाँ पर सुकून चाहिए, आप लोग जाए, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। चलो। अभी मेरी किससे बात हुई? फरहत छुपाओ नहीं, मुझे सच सच बताओ, अभी मेरी जिस औरत से बात हुई वो कौन है? क्या लगती है वो तुम्हारी बीवी? यानी तुम मैरिड हो? हाँ बिल्कुल, एक हफ्ता पहले हुई। तो फिर मैं कौन हूं? तुम उससे कम बदकिस्मत हो, वो अपने कातिल की बीवी बनी। गुड नाइट डियर। क्या हुआ मेरी जान, क्यों हो तुम इस घर में? देखो ये तुम्हारी शादी मेरी समझ से बाहर है, तुम फरहत की बीवी नहीं हो, उसकी गुलाम बन चुकी हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अज़ियत में हो। तुम नहीं जानती आबरू, तुम तो क्या कोई भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
कोई नहीं समझ सकता। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मैंने महसूस किया है कोई और भी महसूस करे, और जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ कोई और भी गुजरे। बहुत मुश्किल है ये सब। जिस तरह के हालात मैंने देखे, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस तरह के हालात देखे। क्या तुमने इस आदमी से लव मैरिज की थी? क्योंकि हम सबको तो यही पता चला था। असल मेरी बात सुनो, हम दोनों कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। नेमत साहब बज़ाहिर जितने भी अच्छे बने, पर मैं उनकी असलियत जानती हूँ। क्या उन्होंने मजबूर किया तुम्हें? अगर ऐसी बात है तो बताओ। हाँ, क्या वो तुम्हें डरा रहे हैं? ये नहीं कर सकती आबरू। तो फिर तुमने उस आदमी से शादी क्यों की आसिल? मुझे बता दो आसिल। आबरू, मैं तुम्हें इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती। तुम बात समझ क्यों नहीं रही? मुझे इस बात का डर है कि सच जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तुम्हारे बारे में सोच के डर जाती हूँ। आसिल, मैं सड़कों पर पली बड़ी हूँ। मैं जानती हूँ, मैंने यतीम खाने में क्या क्या नहीं देखा। मुझे अब किसी का खौफ नहीं है, और ये तुम्हारा फर्ज मुझे डरा नहीं सकता। आबरू, मैंने वो देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। और इस वक्त मैं जिस हाल में भी हूँ, उससे निकलने का मेरे पास कोई हल नहीं है। अगर उन्हें इस बात के जरा से भी भनक पड़ी तो बहुत बुरा होगा। आबरू, आसिल, तुम सिर्फ अपने खौफ की कैद में हो। तुम्हारा भाई पुलिस में है, तुम उसको तो बता सकती हो ना। नईम के होते हुए तुम्हें किस चीज का डर है? मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। आबरू, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं नहीं चाहती कि इन लोगों के हाथों मेरे मासूम भाई की जान चली जाए। मैं कुछ नहीं होने दूंगी उन्हें। क्या हुआ आबरू, तुम क्या ढूंढ रही हो? अच्छा मैडम, मुझे वॉशरूम जाना था, पर इसका तो दरवाजा ही लॉक है। मगर वॉशरूम तो उस तरफ है। काफी अरसे बात आई हूँ ना मैं इस घर में, तो इसलिए भूल गए। कितनी पागल हो ना। मैं हाजरा मैडम से मिली थी। तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है ना? सच बोलो। मैं तुम पर शक क्यों ना करूं आबरू? कुछ बोलो। वो अब भी नीचे ही है। खामोश क्यों हूँ आबरू? बोलो और सच बोलना। मैं यहाँ बुरी नीयत से नहीं आई थी आसिल। असल में हम सब लोग तुम्हारे लिए फिक्रमंद हैं। देखो, मुझसे तुम्हारा यह हशर देखा नहीं जा रहा, समझो इस बात को। मैं आखिर दोस्त हूँ तुम्हारी, और उन्होंने भी कहा कि तुम्हें मदद ओह, उन्होंने? कितने लोग हैं वो आबरू, बोलो। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक मेरा भाई है और दूसरा वो प्रोसिक्यूटर है ना। ओह आबरू, मेरे भाई और वो प्रोसिक्यूटर पहले से ही दोस्त हैं। उन्होंने एक साथ मेरी शादी में छापा मारा था।
अब बताओ क्या वो प्रोसिक्यूटर ये सब में शामिल है? हाँ वो तो दरवाजे पर, ओह गॉड, हाँ बिल्कुल, उन्होंने जासूसी के लिए भेजा है। मैं पता करूंगी तुम्हें क्या है। बहुत खूब, और तुम मान गई। चलो अब यहां पर बैठो। आबरू, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुमसे जो भी कहा तुम मेरे भाई को बिल्कुल नहीं बताओगे। देखो अगर उन्हें पता चला कि मैं यहां पर कह दूं तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे और गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा बैठेंगे आबरू, जिससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तुम समझ रही हो ना आबरू? मेरी बात मानो, यह हकीकत जानने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। जब तुम नीचे जाओगी तो वो तुमसे पूछेंगे कि क्या बात हुई। उनसे कहना मेरी अपनी सास से लड़ाई हुई है, इसलिए मेरा मूड खराब है। देखो उन्हें कुछ भी सच मत बताना। अगर तुम मेरी दोस्त हो तो ऐसा करो प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, मगर जैसा तुम कहो आसिल, ठीक है, प्रॉमिस, तुम मुझ पे भरोसा रखो। ओके। अम्मी प्लीज, ये बच्चा मेरी जान है, इसे मुझसे दूर मत करें। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना। अम्मी रहम करें मुझ पे प्लीज, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करें। रहम करें अम्मी मुझ पर, मत करें मेरे साथ ऐसा। खड़ी हो जाओ। रहम करो मुझ पर, ये हमारा बच्चा है निमत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रहम करो मुझ पर, ऐसा मत करो प्लीज। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुमने वादा किया था मुझसे कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। नेमत, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया? तुम बेशक मुझसे शादी मत करना, बेशक इस बच्चे को अपना नाम भी ना देना, बस मुझे खुद से दूर मत करो। हमें अब चलना चाहिए इश्फा। तुम्हें बहुत मुबारक हो नासिर हजाम। आज से आप दोनों मियां बीवी हैं।
गुलशन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चा तुम्हारे लिए मुसीबत है। अगर तुम्हारे अंकल नेमत को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। वो तुम्हारी किसी ऐसे शख्स से शादी कर देंगे जिसे तुम जानती भी ना हो। आप ये कैसे जान सकती हैं अम्मी? आपको क्या मालूम? आप ये कैसे कर सकती हैं अम्मी? तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। जज्बात में आकर कोई फैसला मत करो। प्लीज मुझ पे रहम करें अम्मी, प्लीज रहम करें। देखो गुलशन, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकती। तुम्हें मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए फायदा मंद होगी। बच्चे को पकड़ो। मत करे अम्मी, मत करे। आराम से अम्मी, मेरा बेटा मुझे वापस दे। मैं खामोश हो जाओ, चीखो मत। बोलिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इसे बहुत एहतियात से गाड़ी तक ले जाओ। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मी मत करे ऐसा, अम्मी मुझ पे रहम करे अम्मी। और ये प्लीज मत लेके जाओ, इसे वापस लाओ।